बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं पास्ता। इसके लिए हमें 400 ग्राम पास्ता लिया है, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, सुरख मिर्च हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून नमक, ऑयल, 2 टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चॉप किया हुआ प्याज और धनिया। पास्ता को बॉईल करने के लिए पहले पानी डालते हैं। जब तक हमारा पानी बॉईल होता है, टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं। वन टीस्पून नमक पानी में शामिल कर दें, 1 टीस्पून ऑयल डाल देना है। पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब पास्ता इसमें डाल दें। जब तक पास्ता तैयार होता है, इतनी देर में इसका सॉस तैयार कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टेस्ट, नमक हाफ टी स्पून, सिर्फ मिर्च हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, थोड़ी सी हल्दी, पेपरिका पाउडर, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। पास्ता भी हमारा रेडी हो चुका है, इसे निकाल। पास्ता शामिल कर लें। मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक कम था, नमक डालेंगे, धनिया मिक्स कर लें, हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।